नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, मैं हूं मधुमिता। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। कांग्रेस की ओर से मालिकाना हक की मांग के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में निकाली गई विशाल रैली। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग की टीम जमशेदपुर में अध्ययन करने पहुंची। कोटका प्रखंड में 230 हड़ताली आंगनबाड़ी टीचरों ने दी अपनी गिरफ्तारी। और आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर कमेटी का किया गया गठन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मालिकाना हक संघर्ष यात्रा निकालकर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र से मिशन 19 की शुरुआत की गई, जहां कांग्रेसी नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। साक्षी स्थित आम बगान मैदान से जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मालिकाना हक संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में आकर समाप्त हुई। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मालिकाना हक संघर्ष यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में अपना शक्ति प्रदर्शन कर मिशन 2019 का बिगुल फूंक दिया है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पिछले 25 वर्षों से पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक देने की राजनीति कर आज अपने वादे से मुकर गए हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाने के लिए यह संघर्ष यात्रा निकाली गई है। संघर्ष यात्रा के माध्यम से हम क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं। जहां राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सब लीज का प्रपोजल क्षेत्र की जनता के समक्ष रखा गया था, जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। ऐसे में मालिकाना हक को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर क्षेत्र की जनता को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी का एक ही चीज है, देखिए भाजपा ने हमेशा झूठा राजनीति किया है। कभी राम मंदिर के नाम पर, हम अभी मध्य प्रदेश से आए हैं, पिछले 14 साल में शिवराज जी चौहान जी ने कहा था कि राम पथ गमन जो है धरातल पर लाएंगे, जहाँ जहाँ राम जी ने अपने वनवास में जो है जिस जिस इलाके में जो है वो घूमे थे, 14 साल तक एक ईंट भी नहीं लगाया। तो ये इनकी नियत ऐसे ही है, लगातार झूठ बोलना, लगातार बेवकूफ बनाना। ये मालिकाना उसका एक और जो है एक कुछ उदाहरण है। आप देख लीजिएगा कि कुछ ने मकान तोड़े जा रहे हैं, पब्लिक रोड पर है, और मैं कह रहा हूँ कि फिर से जीतेंगे तो सब बस्ती खाली हो जाएगा जमशेदपुर में। क्यों? क्योंकि उद्योगपति का जो है के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अगर इसको भगाना है ये उद्योगपति के चौकीदार वाले सरकार को, चोर उद्योगपति के, अगर मान लीजिए भ्रष्ट उद्योगपति के सरकार को अगर भगाना है, चौकीदार को भगाना है, तो इनको भगाइए झारखंड से और देश से। वहीं पिछले कई वर्षों से मालिकाना हक को लेकर आंदोलन कर रहे कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मालिकाना हक के नाम पर विधायक से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है, मगर आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वे अपने वादों से मुकर गए हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा मालिकाना हक संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाकर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां राज्य सरकार के आदेश पर पूर्वी विधानसभा के बिरसा नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर 86 बस्ती के लोगों के आसियानों को जबरन तोड़ा जा रहा है। नहीं देखिए, ये तो मालिकाना हक की, मतलब कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा किए थे, 25 साल से वो जनता को बेवकूफ बना रहे थे, और आए दिन आप देख रहे हैं कि कहीं झोपड़ियाँ टूट रही हैं, कहीं मतलब खुमचे वाले को उजाड़ा जा रहा है, रोड वाले को मतलब बेघर किया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है ना इतना भयावह हो चुका है कि लोग उब कर, ये जो है ना कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अजय जी ने इस पर जो है ना पहल किया, और उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है ना जिला अध्यक्ष विजय खान और मुन्ना शर्मा को दिया कि इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाइए और जनता के बीच जाकर ये मैसेज दीजिए कि आने वाला समय में अगर पूरे झारखंड एक नहीं होगा तो तमाम लोगों का जो आना घर टूटना चालू होगा। झारखंड में खादी बोर्ड द्वारा तैयार किए जा रहे कपड़ों का निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश से 4 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने रेशम के कपड़ों की जमकर सराहना की और इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी खादी पार्क बनाने का निर्णय लिया। झारखंड खादी ग्राम उद्योग के तर्ज पर अब यूपी में भी खादी पार्क का निर्माण किया जाएगा।
यू झारखंड के दौरे पर आए यूपी के खादी ग्राम उद्योग के जनरल ऑफिसर अभय कुमार त्रिपाठी ने झारखंड के सभी खादी ग्राम उद्योग का दौरा करते हुए यहां के कामों को बेहतर बताया। साथ ही यह भी कहा कि झारखंड के खादी ग्राम उद्योग के तर्ज पर यूपी में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट लाने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह से झारखंड खादी ग्राम उद्योग के द्वारा कपास से लेकर हनी बूस्ट तक सारे काम यह लोग अपने से करते हैं और यहाँ की सरकार भी लोगों को सारी सुविधाएं दे रही है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूपी में भी लाने की कोशिश करेंगे ताकि यूपी के लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। वहीं अभय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि यूपी के योगी सरकार के आदेश के अनुसार हमें झारखंड के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए भेजा गया है, क्योंकि झारखंड में रेशम फेमस है और झारखंड द्वारा यहाँ रेशम का अच्छा काम भी किया जा रहा है। सिर्फ ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉई पूरे देश भर में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी यूपी में खादी पार्क का निर्माण करेंगे और लोगों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि यूपी से खादी बोर्ड के सभी त्रिपाठी जी और उनकी टीम पूरी यहाँ आई है और इनसे भी हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। इन्होंने अपने विचार जो रखे कि हम लोग मशीन के बाद हम लोग जब काम किसी महिला को देते नहीं हैं, हम लोग उनको सीधा मशीनिंग मशीन दे के फिर उनसे आगे कोई काम की वो कर रही है नहीं कर रही है, तो हम भी उसी कल्चर में आना चाहेंगे जो इन्होंने सुझाव दिया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा काम है, आप जो है बाकी ट्रेनिंग देने के बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं और क्वालिटी वाइज अच्छा रेशम भी बना रहे हैं, तो यही हम यहाँ से लेके जा रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे इसको चला सकते हैं। इधर पोटका प्रखंड के 230 एकीकृत पारा शिक्षकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन के तहत पोटका थाना में अपनी गिरफ्तारी दी। एकीकृत पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड के पारा शिक्षकों को भी स्थायी किया जाए तथा रांची होटवार जेल में बंद 280 पारा शिक्षकों को अविलंब केस वापस करते हुए रिहा किया जाए, साथ ही समान काम के बदले समान वेतन की व्यवस्था भी की जाए, नहीं तो सरकार की धमकी से पारा शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के दिन हमारे शिक्षकों पर लाठीचार्ज की गई, वो निंदनीय है और राज्य सरकार से मैं चाहता हूँ कि जो 280 लोग होटवार जेल में बंद है उनसे सारी धाराएं उनसे हटा के उन्हें बाइज्जत बरी की जाए और हमारी सारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी मान ले, अन्यथा हमारी हड़ताल चलती रहेगी अनिश्चितकालीन। ये सरकार जो हमारे शिक्षकों को ये बंद करके रखा है, उसको गिरफ्तारी करके रखा है, उसको छुड़ाने के लिए उसका समर्थन में आज हम लोग पोटका थाना में पोटका के सभी पारा शिक्षक लोग गिरफ्तारी दिए हैं ताकि सरकार देखे कि यहाँ के सभी पारा शिक्षक उसके साथ हैं। और गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने बैठक आयोजित कर जमशेदपुर महानगर कमेटी का गठन किया, साथ ही इस दौरान कमेटी के विभिन्न सदस्यों को मनोनीत भी किया गया। निर्मल गेस्ट हाउस में पार्टी की बैठक में पार्टी के जमशेदपुर महानगर कमेटी का गठन किया गया है, जहां शंभुनाथ चौधरी को महानगर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि 5 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष तथा 5 संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। इधर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि पार्टी ज्वलंत मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। दिनों से हमने काफी लड़ाई लड़ा नगर निगम को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर, अभी सबसे बड़ी मुद्दा हमारी लड़ाई चल रही है कि मानगों का नगर निगम का चुनाव हो, लोगों को तीसरे मत का अधिकार मिले और दूसरा कि मानगों का सर्वे कराया जाए, सारा बिहार अनुवाद बिहार सरकार जमीन को सबको मलिकाना मोटेशन का अधिकार मिले और विधवा पेंशन 600 से बढ़ा के 2500 किया जाए। इस 3 मांगों पर लड़ाई चल रहा है और सरकार को हम विवश कर देंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे जनता के साथ, जब तक कि हमारी इस आंदोलन की मांग की जीत नहीं होगी। जनता की हक में सरकार कैबिनेट से पास करके लोगों को हक नहीं देगा तब तक हमारी आंदोलन चलते रहेगी। पूरे राज्य में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पारा शिक्षकों को कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन देकर पारा शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार की नाकामियों को उजागर किया। साक्ष्य स्थित आम बगान मैदान में पिछले 15 नवंबर से पारा शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्हें जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अपना समर्थन दिया गया है। धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खान एवं कांग्रेसी नेता ने जाकर इन्हें अपना समर्थन देकर आश्वासन दिया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि आज पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, जहां पिछले 15 नवंबर से पारा शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर चले गए हैं।
इनकी मांगे जायज होने के बाद भी सरकार की दमनकारी नीति देखने को मिल रही है, जहां सरकार अब पारा शिक्षकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब इनकी मांगों को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन कर पारा शिक्षकों को उनका हक दिलाकर रहेगी, जहां पूरे राज्य में डॉक्टर अजय कुमार के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन पारा शिक्षकों को देकर उनके आंदोलन को और उग्र करने का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर और जिस तरीका से झारखंड की सरकार, भाजपा की सरकार और रघुवर दास की सरकार ने इनके साथ में अन्याय किया है, लाठीचार्ज किया, मारा है, ये लोग हड़ताल पर है, ये सरकार अहंकारी सरकार है, अपने बहुमत के ऊपर अहंकार हो गई है इनके ऊपर में। कांग्रेस पार्टी इसको बहुत गंभीरता से लेती है, इनके दुख और दर्द में इनके साथ है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत 1,00,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। वहीं इसे लेकर राज्य के विभिन्न निकाय क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम की ओर से अटल पार्क में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। वहीं कार्यक्रम के रद्द होने की सूचना किसी को नहीं दी गई थी, और जब कई पार्षद और बेरोजगार युवक रोजगार मेले में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वापस लौट गए। वहीं कार्यक्रम कैंसिल होने से बेरोजगारों को काफी निराशा हुई। यहां पर आए थे हम लोग की आज मीटिंग भी था और सिलेक्शन भी था, बहुत सारा कंपनी आई थी, बच्चे लोगों को सिलेक्शन करने तो कैंसिल हो गया, नहीं कारण नहीं मालूम। यहाँ पर आने के बाद सुनने में आ रहा है कि रोजगार मेला यहाँ पर कैंसिल हो गया है, अब ये तो नहीं पता चला। इधर पोटका प्रखंड के पिछले उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को बोरे से ढककर उसकी पिटाई करने से ग्रामीण काफी उग्र हो गए। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक दीपक लाल हमेशा बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और बेवजह बच्चों को पिटाई करते हैं, हम लोग ऐसे टीचर को किसी भी हाल में नहीं रहने देंगे। हमारे जो पिछली प्राथमिक विद्यालय है इनमें एक सर है दीपक सर, वो सर जो है बच्चों को अपने क्रूरता उन पर ढाए रहे हैं, बात बात पे बच्चों पर अत्याचार करते जा रहे हैं। जिस तरह का मतलब देखा गया, आज सुबह एक बच्चे से पता चला, वो बच्चा बोल रहा है कि उसको बोरी में घुसा के और सर बहुत मार रहे थे। इस कारण हमारे ग्रामीण सब इकट्ठा आके जब बात पता चला और बच्चों से भी पूछताछ किया गया तो पता चला कि सर हमेशा ही बच्चों को ऐसे मालिश वगैरह कराते हैं स्कूल में, और जो है अपना पैर का चप्पल खोल के भी मारते हैं, ऐसा ऐसा सुना गया है। वहीं जिस छात्र को बोरे से ढककर स्कूल में शिक्षक के द्वारा पीटा गया था उसका कहना है कि दीपक सर हमें बराज के मारते हैं। क्यों मारते हैं? हम कुछ नहीं करते फिर भी मारने के। वहीं स्कूल के शिक्षक दीपक लाल का कहना है कि हमारे ऊपर जो भी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं सब गलत है, हमसे जो भी गलती हुई है हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हम बच्चों को क्यों मारेंगे। हाँ बच्चों को मारा हूँ, कभी काल मारा हूँ, कभी गुस्सा से जोर से चप्पल को मार दिया हूँ, चप्पल से नहीं मारा हूँ, उस तरह से डस्टर को पहले कपड़ा वाला डस्टर उसे फेंक कर मारा हूँ। कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा अनुशासन, मारने का नियम नहीं है लेकिन बस कभी हो जाती है गलती से, आइंदा से नहीं होगी। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल लगातार अपने सामाजिक दायित्व निर्वहन के तहत गरीब मरीजों का इलाज करते आई है। इसी क्रम में अस्पताल प्रबंधन ने निर्धन महिला मरीज के आजीवन निःशुल्क डायलिसिस का निर्णय लिया। आदित्यपुर स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 111 सेव लाइफ अस्पताल में राजनगर निवासी रीता केसरी का आजीवन निःशुल्क डायलिसिस होगा, यह घोषणा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने की है। ऐसा कर इन्होंने उक्त मरीज की जिंदगी में खुशियां बिखेर दी। गौरतलब है कि किडनी फेल होने की वजह से महिला विगत 15 माह से अस्पताल में अपना डायलिसिस करा रही है। अत्यंत गरीब परिवार से आने की वजह से इन्हें सरकारी सहायता राशि के रूप में 2,50,000 रुपए प्राप्त हुआ था, जो कि विगत 3 माह पूर्व ही खत्म हो गया है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिला का आजीवन निःशुल्क डायलिसिस करने की घोषणा करते हुए वचन पत्र जारी किया गया है। इस संदर्भ में डॉक्टर ओपी आनंद ने बताया कि अस्पताल द्वारा स्थापित अक्षय पात्र से लगभग 150 बार अनेक मरीजों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। अस्पताल में 8 डायलिसिस मशीनें हैं। कई बार होता है कि मरीजों के मरीज एक साल के बाद भी उनको डायलिसिस की जरूरत रहती है,
तो ऐसे में बहुत गंभीर संकट खड़ा हो जाता है कि ऐसे मरीजों का क्या किया जाए। तो कोई और विकल्प न देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि मरीजों को जीवन दान दिया जाए, उनके जीवन की रक्षा की जाए, उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं वैसे भी मानवीय आधार पर। तो हम सब ने तय किया कि उनकी आजीवन डायलिसिस 111 हॉस्पिटल द्वारा कराई जाए। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए सिटी न्यूज। अब पावर का सुपर पावर ऑफर दैनिक भास्कर के साथ। दैनिक भास्कर अखबार में छपे फॉर्मेट में चिपकाएं 1 किलो के 3 पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो ना छूटने दे मौका। आज की 3 खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाएं ढेर सारे इनाम। तो करते रहें सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहें दैनिक भास्कर और जीतते रहें ढेरों इनाम। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770। आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ जमा करें, दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, तीसरा तल्ला, मेन रोड, घाटशिला, जमशेदपुर दैनिक भास्कर कार्यालय, चौथा तल्ला, 7SP शॉप एरिया, क्यू रोड, बिष्णुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934604673834060555119। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। शहर जमशेदपुर में कई वर्षों से सेवा दे रहे विजय इलेक्ट्रॉनिक्स इस दीपावली पर लेकर आए हैं आपके लिए फिर से अनेकों उपहार। जी हाँ, आपके लिए यहाँ उपलब्ध है सभी मोबाइल के फाइनेंस पर ट्रॉली बैग, 2000 का चांदी का नोट, 1000 रुपए तक का डिस्काउंट कूपन, लाइफ टाइम टेम्पर्ड ग्लास मुफ्त, साथ ही 50% तक का लाभ आप ले सकते हैं एक्सचेंज ऑफर में, और कैश में खरीदने पर 1000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर भी। तो देर किस बात की, इस दीपावली आप भी अपने घर लाएं नया मोबाइल और जुड़ जाएं अपनों संग। हमारा पता विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 345, संजय फैंसी मार्केट, नियर हनुमान मंदिर, साक्ची, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 9304912177, 9835189865। तिब्बत मार्केट जमशेदपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तिब्बत मार्केट लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए डिजाइन के गर्म कपड़े, वो भी सस्ता और बेहतरीन गर्म उलेन कपड़े। अब आपके पास जेंट्स जैकेट, ब्लेजर, फुल पुलोवर, लेदर जैकेट, नेता कोट, श्वेत शर्ट के कई रंग एवं डिजाइनों में, लेडीज कुर्ती, पंचू, लेडीज के लॉन्ग सरक, जेंट्स एंड लेडीज के सभी प्रकार के शॉल एंड स्टॉल और कार्डिगन, ब्लैंकेट कई प्रकार के डिजाइन और रंगों में पा सकते हैं। लेडीज के लेगिंग्स, टॉप, ब्लाउज, कैप्स और भी बहुत कुछ पा सकते हैं। कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स, स्मॉल शूज, शॉक्स, पैजामा भी ले सकते हैं। करें खरीदारी जमकर और सर्दी के मौसम का मजा ले घूम घूम कर। तिब्बत मार्केट,
गोलमुरी सर्कस मैदान, गोलमुरी जमशेदपुर। 32 स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक, दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन, अ मल्टी स्पेशलिटी लेजर डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ सिटी एट भालूभासा ब्रिज जमशेदपुर, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान, 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है। ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेरे दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर वीके सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL Tower ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड कदमा। आर मेन ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, जम्मू टार, भालूभासा जमशेदपुर। पूरनमल अग्रवाल जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर, शादी ब्याह पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियां। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियां, डिजाइनर साड़ियां, फैंसी साड़ियां, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज, और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार जमशेदपुर, फोन 2435138 और 9431329002। और रक्तदान जीवन दान है, इसी उद्देश्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के युवा रक्तदान शिविर में पहुंचकर बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पोटका के उदाल क्षेत्र के आसपास के इलाकों की, जहां मरीजों की खून की कमी के कारण मौत हो जाती थी और लोग खून देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब समय के साथ उनकी सोच में काफी बदलाव हुआ है और वे रक्तदान के प्रति जागरूक हुए हैं। वहीं यंग ब्लड सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 से रक्तदान शिविर लगाना शुरू किया था। उस समय केवल 20 लोग ही रक्तदान करते थे, लेकिन आज 200 से ज्यादा लोग रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। हम एक महीने पहले से ही रक्तदान जीवन दान के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करते हैं। जागरूक हो रहा है पहले, और ये आपको हम लोग का इंटर एरिया है, जंगली क्षेत्र है, उसलिए ब्लड का कोई व्यवस्था नहीं था। अभी जैसे हम लोग यहाँ शुरू किया, बहुत ही जागरूक हो गया और ऐसे करके हम लोग को बढ़ रहा है। अच्छा, और पहले से हम लोग मतलब एक दो महीना के पहले से हम लोग इसको जागरूक किए। पहले यहाँ ब्लड नहीं रहने के कारण बहुत सारे का मौत भी हो रहा था, और अभी हम लोग जो यहाँ सोसाइटी खुले उसके बाद मिल रहा है, हम लोग ब्लड दे रहे हैं और अभी बहुत ही जागरूक हो रहा है। इसके पहले और इसके आगे भी और जागरूक करके हम लोग करेंगे। वहीं ब्लड देने आए युवा वर्ग के लोगों का कहना है कि पहले हम लोग ब्लड देने से काफी डरते थे, लेकिन अब नहीं डरते। पहले गाँव में खून की कमी काफी होती थी, इसलिए हम युवा वर्ग के लोग ब्लड दे रहे हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। ब्लड देने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले थोड़ा बहुत डर थी, अभी ऐसा नहीं लग रहा, अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत होती थी पहले?
पहले इस सुई की वजह से थोड़ा डर लगता था, अभी वैसे नहीं, अभी हो गया, 4-5 बार दे चुके हैं पहले से, अभी अच्छा भी लगता है, एकदम शरीर पूरा स्वस्थ लगता है। पहले गांव में ब्लड नहीं मिलती थी उतना, अभी कैंप लगने की वजह से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, अभी हम लोग ब्लड दे रहे हैं तो हम लोग को ब्लड मिलती है। बहुत लड़के आ गए हैं सब लड़के लोगों वाले। वही ब्लड बैंक में पहुंचे डॉक्टर का कहना है कि हमेशा ब्लड देने से कई बीमारियां नहीं होती हैं और वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, इसलिए हर व्यक्ति को ब्लड देना चाहिए। लोग काफी जागरूकता हुआ, लगातार 4-5 से जो ब्लड डोनेशन दिया जा रहा है, ये लोग के अंदर एक तो भावलोक जागरूक है। मैं कुछ लड़कों से मैं बात किया, ब्लड देने से क्या फायदा है, तो मैं ब्लड देने से मैं 4 चीज समझाए, जिन्होंने 18 साल ऊपर से ब्लड देना शुरू किया वो कम से कम 65 साल तक ब्लड दे सकते हैं और किसी का जीवन बचा सकते हैं। अभी 350 ml ब्लड देने से एक बहुत सबको जानकारी होना चाहिए, 350 ब्लड देने से 3 व्यक्ति के जान बचते हैं, प्लस जो रेगुलर ब्लड देते हैं उसमें बुढ़ापा के ओल्ड एज में 2 बीमारी कभी नहीं आएगा, थायराइड का, ब्लड प्रेशर का। इधर जमशेदपुर में DBMS स्कूल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने महादान कर आयोजन को सफल बनाया। BH एरिया स्थित DBMS स्कूल एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि इस रक्तदान शिविर में एकत्रित हुआ रक्त औरतों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क दिया जाएगा। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, जिसे स्कूल के द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस शिविर के माध्यम से हम छात्र छात्राओं को रक्तदान के प्रति जागरूक भी करते हैं। हाँ मैडम, क्या पर्पस है ब्लड डोनेशन का? नमस्कार, ये DBMS इंग्लिश स्कूल के इंटर क्लब के द्वारा ये आज ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है। कोई भी चीज़ के लिए, कोई एक्सीडेंट होगा या कुछ भी होगा, किसी ज़रूरतमंद को ब्लड डोनेट करना तो अति उत्तम दान होता है रक्तदान, एंड टू हेल्प द ब्लड बैंक इन प्रोक्यूरिंग ब्लड फॉर मेनी पर्पसेस वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। ये वाला हम ब्लड बैंक की के लिए हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। और भाजपा नेता अमर सिंह ने रानीडी के ग्रामीणों पर अपनी जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए बागबेड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि भाजपा नेता अमर सिंह ने रानीडी में जमीन खरीदकर बाउंड्री बनवाई थी। भाजपा नेता का आरोप है कि गांव वालों ने बाउंड्री तोड़ दी है। भाजपा नेता ने 8 ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर ग्रामीण सुनील सुंडी ने बताया कि ग्रामीणों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं SSI धर्मवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है। को लेके आए हो आप लोग? मामला है आपका 6 नवंबर और 7 नवंबर आपका भास्कर पेपर में आपका दिया हुआ था कि रानाडी के द्वारा मतलब ग्रामीण को ज़रा इन लोगों मतलब खासकर जो भी हम लोग अपना गांव में है जो भी है उन लोग का नाम से मतलब थाना दर्ज करवाया। किसका किसका नाम है? हम लोग का 8 आदमी का नाम है, मेरा, मेरे भाई। क्या नाम हुआ आपका? जो कि बाउंड्री तोड़ने का मामला है, इसके यहाँ लिखते हैं न्यूज़पेपर में, जो सच बात आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जुआ 8 लोगों का मामला दर्ज किया गया है और जमीन है रानीडी में, सड़क के बगल में है, तो दीवार टूट गया है, जो सच्चाई होगा वही हम करेंगे अनुसंधान में। अभी ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर सच्चाई की मांग कर रहे हैं कि हम उन्हें जो भी गलत काम किया वो हम नहीं किए हैं। आगे आपके तरफ हम जो भी सच्चाई होगा वही हम अनुसंधान करेंगे। बिरसा सेवादल पंचायत समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बिरसा नगर में अतिक्रमण हटाने के मामले की जांच करने की मांग की। इधर DC को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिस स्थान से अतिक्रमण कर बनाए गए घर एवं बाउंड्री तोड़े गए हैं, वहां किसने सरकारी भूमि अतिक्रमण कर बेचने का काम किया है, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण ना हो एवं सरकार के विकास कार्यों में बाधा ना पहुंचे और साथ ही आम आदमी मुसीबत में ना फंसे। इधर समिति के प्रतिनिधि देवाशीष नामक ने बताया कि तोड़े गए घरों में लोगों को खुले आसमान के नीचे ठंडे में तड़पते हुए रहना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सेवादल पंचायत समिति के पदाधिकारियों सदस्यगण हैं, विगत दिनों बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
सरकार द्वारा वहाँ से एकड़ भूमि चिन्हित किया गया था और उसका बोर्ड भी लगा दिया गया था जमीन की सुरक्षा हेतु, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ अतिक्रमण की प्रक्रिया शुरू हुई। हम लोगों ने इसका आगाह बिरसा सेवादल पंचायत समिति प्रशासन को किया था, लेकिन प्रशासन ने इसे अनदेखी किया और उस पर अतिक्रमण का कार्य हुआ। अभी हाल के दिनों में वहाँ जितने बसे अतिक्रमित आवासों और बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है। इस संदर्भ में हम लोग का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब वहां सरकार ने ऑलरेडी वहां भूमि चिन्हित किया था, ये तो उस जमीन की रक्षा करने का काम प्रशासन का था और प्रशासन ये अतिक्रमित हुआ है। इसका साफ मतलब है कि प्रशासन और वहां के कुछ आसपास के जमीन दलालों के द्वारा उस जमीन को बेचा गया और आम आदमी को बसाने का काम हुआ था। अब जो ये तोड़ने की प्रक्रिया हुई है, आज दुर्भाग्य है कि वहाँ जो लोग भी बसे थे आज वो आसमान के नीचे बाल बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव की तैयारियों को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साक्षी स्थित कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की गई। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रकाश उत्सव नगर कीर्तन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इधर मुखे ने बताया कि नगर कीर्तन बिष्टुपुर रामदास भत्ता से निकाली जाएगी। ये हम लोग अपने मुख्य सलाहकार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कल की तैयारी को मूर्त रूप दे रहे हैं। कल की जो हमारी तैयारी है, रामदास भट्टा गुरुद्वारा साहब से नगर कीर्तन की आरम्भता होगी और एन रोड होते हुए बिष्टुपुर मेन रोड जिसको गोल चक्कर मोदी पार्क स्टेडियम होते हुए साक्षी बड़ा गोल चक्कर से साक्षी गुरुद्वारा साहब में समाप्ति होगी। वहीं जुगसलाई के गाड़ाबासा में प्रस्तावित जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता ने अपनी टीम के साथ स्थल निरीक्षण किया। बताया जाता है कि 13 बस्तियों में जलापूर्ति के लिए 23 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी थी। गुरुवार को पीएचईडी के कार्यालय अभियंता के नेतृत्व में टीम ने गाड़ाबासा पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। इधर जिला पार्षद किशोर यादव ने बताया कि टीम ने जमीन का सर्वे किया और जमीन के एबज में पीएचईडी ने रेलवे को 2% के हिसाब से 18 लाख रुपए जमा किए हैं। अभी हमारे पीएचडी विभाग की टीम स्कूटिक साहब के नेतृत्व में आए थे और पूरे पाटबिड़ा क्षेत्र में जो 13 बस्तियों में पाइपलाइन बिछना है उनका री सर्वे करने के लिए आए थे। हम लोग री सर्वे करके गए हैं और बहुत जल्द रेलवे के द्वारा जो 2% की मांग की गई है लगभग 18 लाख रुपया वो पैसा विभाग के द्वारा जमा कर दिया जाएगा और बहुत जल्द हमारे जो 13 बस्तियां हैं रेलवे क्षेत्र में उन 13 बस्तियों में 23 किलोमीटर पाइपलाइन बिछना है। उस 23 किलोमीटर पाइपलाइन 13 बस्तियों में बिछना शुरू है। स्वच्छ भारत मिशन का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले पश्चिम बंगाल के मिदनापुर निवासी देवेंद्रनाथ बेरा 23 राज्यों का भ्रमण कर जमशेदपुर पहुंचे। ब्रेक बिना चेन और वैगर सीट की साइकिल से देवेंद्रनाथ बेरा पिछले जून महीने से स्वच्छ भारत मिशन का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले। 23 राज्यों की यात्रा पूरी कर बेसरा बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां से बेसरा मिदनापुर वापस लौट जाएंगे। गुरुवार को बेसरा डीसी और एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी सभी राज्यों की यात्रा पूरी हो गई है और अब यहां से वह घर वापस लौटेंगे। पश्चिम बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर सबंग सात साइकिल का रहने वाला। इस साइकिल से कब निकले आप, कहां से निकले? साइकिल से निकले गत जून महीने में निकाला। कहां से? पश्चिम मेदिनीपुर जिला डेबरा हरिमती हाईस्कूल मैदान से सफर शुरू किया। कहां कहां गए हैं? कितने जगह? ये ऑल इंडिया का 29 स्टेट मेनली और कैपिटल नेशनल कैपिटल दिल्ली और 3 स्टेट 33 स्टेट छोड़ने का मैं वादा किया। हमारा कंप्लीट हो गया 33 स्टेट। ये झारखंड में कहाँ कहाँ गया? मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल असम सिक्किम पटना जमशेदपुर कब आया? जमशेदपुर लखनऊ देहरादून जमशेदपुर कब आया? जमशेदपुर काल आया। फिर कहाँ आया था, किससे? कल रात को आया। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए सिटी न्यूज। कश्मीरी उलेन मेला आया मौसम ठंडे का, इस मौसम में पड़ती है जरूरत उन्हीं कपड़ों का
तो आ गया है कश्मीरी उलेन मेला। आपके शहर जमशेदपुर में पहली बार कश्मीर के ऊनी कपड़े होलसेल रेट में, सभी प्रकार के ऊनी कपड़ों में 50% तक की भारी छूट। इस ऊनी मेला में आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में 3 बेबी कंबल और मात्र 100 रुपए में 3 फुट मेट। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा स्वेटर, जैकेट, हाई नेक, लेडीज कार्डिगन, लेडीज शॉल, जेंट्स शॉल, स्टॉल के कई वैरायटी और रेंज। यहाँ आपको मिलेगा विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों के कंबल, लेडीज फूल और हाफ स्वेटर के साथ ही बच्चों के स्वेटर, जैकेट और बहुत कुछ। सभी कपड़ों पर आपको मिलेगा 50% की विशेष छूट। तो सोचना छोड़िए और आज ही दौड़िए आम बगान की ओर, क्योंकि स्टॉक सीमित है, कहीं देर ना हो जाए। हमारा पता, कश्मीरी उलेन मेला आम बगान से कदमा गणेश पूजा मैदान शिफ्ट हो चुका है। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मूट करनी वो वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार।
कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक, पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-243-8616-983-555-1212-943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी कहे गेलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं, किंतु कोनो साफल्य पाइनी। जब থেকে মহাদেব বাবুর কাছে গেছি তব থেকে অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। মেরে বচ্চে কা পড়াই মে মন নহি লাগতা থা, শ্রী মহাদেব জি কে পরামর্শ কে বাদ আজ মেরা বচ্চা আচ্ছে নম্বরো সে পাস হো রাহা হ্যায়। মহাদেব জি সে মিলে অর সভি পরেশানিয়ো সে নিজাত পায়। মিলনে কে লিয়ে সম্পর্ক করেন জেমকো, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874826809430 9430715730 9709052086। खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं मनरेगा कर्मियों के हड़ताल की। समान काम और समान वेतन, स्थायीकरण एवं अन्य कई मांगों को लेकर राज्य भर के मनरेगा कर्मी विगत 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं सरायकेला जिला मुख्यालय पर बैठे इन हड़ताली कर्मचारियों को ईंचागढ़ के भाजपा विधायक साधुचरण महतो ने नैतिक समर्थन दिया और धरना स्थल पर पहुंच उन्हें सांत्वना दी। वहीं विधायक ने इन कर्मियों को भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा सत्र में वे सदन में पटल पर इन मनरेगा कर्मियों की मांग को रखेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से निजी तौर पर मिलकर भी इनकी मांगों को रखने का भरोसा दिलाया। वहीं अपने बीच विधायक को पाकर हड़ताली कर्मचारियों को इस बात की उम्मीद जागी है कि विधायक उनसे किए गए वादों पर अमल करेंगे। मनरेगा कर्मी का जो हड़ताल है उनका समर्थन में मैं हूँ। इसके पहले भी पत्र के जरिए में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिखित रूप से अवगत कराए थे और आज समर्थन में भी लोग 16 तारीख से धरना में समर्थन में मैं आया हूँ। इनका बात को मैं विधानसभा के पटल में और एक मुख्यमंत्री के बीच, इन लोगों का, कर्मचारियों का और मुख्यमंत्री के बीच में एक सेतु का रूप में काम करके इनका समस्या का समाधान कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज मनरेगा कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमारे ईंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक महोदय हमारे समर्थन में आए। इनसे पूर्व ही हम लोगों को समर्थन पत्र उनके द्वारा प्राप्त हुई है, जो राज्य सरकार के ही हम लोग अवगत कराए हैं। और सर यहाँ पे आए और हम लोग के समर्थन में स्वशरीर उपस्थित होकर हमें ये आश्वासन दिया
कि विधानसभा में जब शीतकालीन सत्र चलेगी हमारे बुलंदी के साथ वो आवाज़ उठाएंगे और साथ ही हम दुख और सुख जो भी है मनरेगा कर्मी के साथ वे सदैव यहाँ पे खड़े रहेंगे। इधर बागबेड़ा सीपी टोला पंचायत भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 लाभुकों के बीच गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पार्षद किशोर यादव ने बताया कि 30 लाभुकों के बीच गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा बांटे गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दक्षिण बागबेड़ा पंचायत के लगभग 20 लाभुकों को जो गरीब तबके के थे उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा का वितरण किया गया। जो तमाम लोग थे पहले से अपना जाति प्रमाण पत्र और फॉर्म जमा किए हुए थे जिनका काबरा गैस एजेंसी के द्वारा अप्रूव मिला आज उन्होंने उन लोगों को गैस सिलेंडर और चूल्हा का वितरण। और नंद किशोर साहू पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले को लेकर जमशेदपुर साहू समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग एसएसपी से की। साहू समाज के पुरुष और महिलाओं ने जिला पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। इधर समाज के रंजीत गुप्ता ने बताया कि जुबली पार्क गेट के समीप नंद किशोर साह पर रंगदारी मांगने के लिए जानलेवा हमला किया गया था। वहीं साक्षी थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी साक्षी पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही है जिसकी शिकायत एसएसपी से की गई है। हम और हमारे साहू समाज के लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आए हैं। विगत रविवार के दिन नंदकिशोर साहू जी जो हमारे समाज के सदस्य हैं वो चौमिन का ठेला लगाते हैं इसी गेट संख्या 1 जुबली पार्क पे। तो अपराधियों के द्वारा शिबू सिंह और उनके भाई विक्रम सिंह के द्वारा उन पे जानलेवा हमला किया गया। रंगदारी मांगते हुए लूट की वारदात हुई और उस संबंध में नंदकिशोर जी ने साक्षी थाने में जाकर के लिखित शिकायत दर्ज करवाई। उसके आलोक में एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन वो एफआईआर पूर्णतः अपराधियों को संरक्षण देते हुए थाना प्रभारी के द्वारा दर्ज किया गया है। आमतौर पर मारपीट की घटनाओं में जानलेवा जब हमला होता है तो 307 के तहत केस दर्ज की जाती है लेकिन इस तरह का कोई केस धारा नहीं लगाया गया है। और तो और कुछ सघन्य अपराध की धाराएं लगी है लेकिन उसके आलोक में भी अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि थाना प्रभारी और विशेषकर इधर सुंदरनगर स्थित नामोटोला के बस्ती वासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर सुंदरनगर और नामोटोला के बीच बन रहे कैनल का काम धीमी गति से चलने की शिकायत की। इधर राजा कालिंदी नामक ग्रामीण ने बताया कि कैनल का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। सुरक्षा का प्रबंध ठेकेदार द्वारा नहीं किए जाने के कारण कैनल में डूबकर बच्चों की मौत की घटना घट चुकी है। उन्होंने ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग जिला प्रशासन से की है। हम लोग सुंदरनगर और नामोटला के लड़के जो हैं हम लोग डीसी साहब के यहाँ आए हुए हैं डीसी साहब को केनल के विषय में ज्ञापन देने के लिए। जो केनल का निर्माण वहाँ पे चल रहा है काफ़ी धीमी चल रहा है सुंदरनगर और नामोटला के बीच में और सेप्टिक नाम का कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है और ना ही किसी एजेंसी के थ्रू कोई व्यक्ति को खड़ा किया गया है कि कोई आने से मना कर देगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सेप्टिक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं और केनल का जो निर्माण चल रहा है वो बहुत भव्य रूप से और बड़ा तरीके से चल रहा है जो कि गलत है। हम डीसी साहब को यही ज्ञापन देने के लिए आए थे कि डीसी साहब अपने स्तर से जांच करें और उस केनल का काम जो है जल्द से जल्द करवा कर ख़त्म करें। और वहां पे एक पुलिया का भी काम चल रहा था जो कि 2 साल से बंद है। लौनगरी जमशेदपुर में हैवान पिता का कारनामा सामने आया है। पिता ऐसा कि अपने ही नाबालिग बच्ची का 3-4 वर्षों से यौन शोषण कर रहा था। बच्ची परेशान होकर 2 दिन पूर्व घर छोड़कर भाग गई। बच्ची बंगाल के हावड़ा पहुंची जहां जीआरपी ने उसे चाइल्ड होम में भर्ती करवा दिया। जांच में नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने की बात सामने आई है। हालांकि बंगाल पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस के साथ मिलकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, यह जो लाल टी शर्ट में दिख रहा है यह वही हैवान पिता है जो अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इतना ही नहीं, यह हैवान पिता अपनी 10वीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ पिछले 3-4 वर्षों से यह काम कर रहा था। पोल तब खुली जब बच्ची भागकर बंगाल के हावड़ा पहुंची। हावड़ी जीआरपी ने बच्ची की स्थिति देख उसे चाइल्ड होम में भर्ती करवाया। काउंसलिंग में बच्ची ने अपनी आप बीती बताई जिसके बाद चाइल्ड होम प्रबंधन ने हावड़ा महिला थाना को इसकी सूचना दी जिसके बाद बंगाल के हावड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर आज जमशेदपुर पहुंची और आरोपी बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ बंगाल लेकर रवाना हो गई। तो इसमें ये एफआईआर का अपना नकल देते हुए
एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की जिसका नाम मनोज दत्ता है, उस पर आरोप है उसने अपनी बेटी के साथ लगातार यौन शोषण किया है। इस प्राथमिकी के मजमून को वेरीफाई करने के बाद और वरीय पदाधिकारियों से परामर्श करने के बाद मैंने समुचित बल देकर के मनोज दत्ता की गिरफ्तारी करवाई और अभी इसको कलकत्ता के न्यायालय में प्रेषित करने हेतु ये लोग ले जा रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? जी गिरफ्तारी राम जन्मनगर मोहन पथ से। ये कब से है? वही मानगो गांधी मैदान में पीस पार्टी की ओर से झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मनोरंजन के लिए कव्वाली भी आयोजित की गई। बुधवार को मानगो गांधी मैदान में पीस पार्टी की ओर से कव्वाली और झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हसन रिजवी और बतौर विशिष्ट अतिथि जेएमएम नेता मतलूब अनवर उपस्थित रहे। झारखंड आंदोलनकारियों को यहां प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अपने बड़े भाई श्री पदुदीन साहब, यासीन भाई और हसीन भाई, अनवर भाई, तमाम हम लोग आंदोलन करते थे। ताहिर भाई जो हमारे थे, हम लोग साथ आंदोलन किया करते थे यहाँ। और इस आंदोलन में मैं सबसे छोटा था और आप लोग की दुआओं से कहीं भी झारखंड में मुसलमानों को यह नहीं कहा जाए कि झारखंड में कि आजादी नहीं दिलाया झारखंड का, हम लोगों ने जो किया है। और खबरों में इतना ही, जाते जाते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस की ओर से मालिकाना हक की मांग के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में निकाली गई विशाल रैली। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग की टीम जमशेदपुर में अध्ययन करने पहुंची। कोटका प्रखंड में 230 हड़ताली आंगनबाड़ी टीचरों ने दी अपनी गिरफ्तारी। और आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर कमेटी का किया गया गठन। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।